हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप? होप सो बढ़िया होंगे। तो यार, आज अपन फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं अपने गेम को, COC यानी क्लैश ऑफ क्लैन। ठीक है, तो कंटिन्यू करने से पहले यार, चैनल पर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। तो चलो चलते हैं अपने गेमिंग स्क्रीन पर। ऑलराइट, तो अपन आ गए अपने गेमिंग स्क्रीन पर और यहाँ पर अपने को दिख रहा है कि मतलब कोई तो अटैक क्यों हुआ था मेरे क्लैन पर, जिसके वजह से यहाँ पर मेरे को कलेक्ट्स मिले हैं 18,20,000 का गोल्ड भी है, एलिक्सर भी है और 18,200 का डार्क एलिक्सर है। ये इतना सारा इसीलिए कलेक्ट हुआ है क्योंकि मैं आज 4 दिन के बाद खेल रहा हूँ। तो यार, सबसे पहले तो इसको कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, देखते हैं कितना। तो मेरा ये एलिक्सर पूरा फुल हो गया है और डार्क एलिक्सर थोड़ा सा रह गया, मतलब मेरे डार्क एलिक्सर की कैपेसिटी 37,000 की और 34 हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर खाली रह गया है सिर्फ एलिक्सर। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है यार, कॉर्नर में मेरे को मिला है जम बॉक्स, तो जम बॉक्स अपन ले लेते हैं। पहले यार अपने सिटी को ना थोड़ा साफ़ सुथरा करते हैं, जितना भी ये घास फूस लकड़ी वकड़ी पड़ा है सबको पहले साफ करते हैं। तो अभी मेरे जो 4 बिल्डर हड है वो खाली है। तो यार, यहाँ पे मेरा जेम बॉक्स भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो मेरे 4 बिल्डर है पूरे खाली हैं, तो पहले क्या करते हैं कि अपने जो पूरे विलेज में जितने भी घास फूस पेड़ पौधे हैं उसको पहले क्लीन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, चारों को लगाऊंगा फटाफट से, सब हो जाएगा। इस फायदा कि ये जो सफाई करोगे इससे भी मतलब आपको जेम्स बहुत सारे मिलते हैं। देख लो, मेरे पास 85 जेम्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये तो मेरे को लग रहा है कि पूरे हटाऊंगा तो पूरे मेरे को तो 100 मिल जाएंगे, लग रहा है ऐसे 100 जेम्स तो कंप्लीट हो ही जाएंगे ऐसा मेरे को लग रहा है। तो यार, जितना भी था सब मैंने कलेक्ट कर लिया और लगभग मेरे को बहुत ज्यादा मतलब कम से कम 70-75 जेम्स मेरे को अब भी मिल गए। ठीक है, तो ये पूरा कलेक्ट कर लेने के बाद अब मेरे को क्या करना है कि सबसे पहले मेरे को अपने कुछ ना कुछ डिफेंस को मेरे को अपग्रेड में लगाना है। ठीक है, उसके पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मेरा आर्मी कैंप चारों लेवल 5 का है या नहीं। चारों लेवल 5 का, इसको लेवल 6 का करूँ अगर तो इसके लिए मेरे को 3,75,000 रुपये लगेंगे। लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि अगली बार मैं अटैक करने जाऊँगा तो ज़्यादा प्लेयर लेके जा सकता हूँ। ठीक है, तो काम करते हैं, पहले मैं स्पेल में तो विजार्ड को किसी प्लेयर को मेरे को पहले अपग्रेड में लगाना है, तो इसमें मैं विजार्ड को लेके जाता तो हूँ वैसे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं पैक्का को लगाऊँ या फिर डार्क एक्सेलर मेरे पास उतना है नहीं। गोलम को लगा दूँ क्या? मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना पहले पैक्का को लगाता हूँ। मैं पैक्का, ये कन्फर्म, तो पैक्का को मैं लगा दिया हूँ यहाँ पे अपग्रेड में, लेवल 2 से लेवल 3 पे आ जाएगा ये 24 घंटे में यानी कल। ठीक है, तो ये तो हो गया, एक तो प्लेयर अपग्रेड में लग गया। अब दूसरा, उसके अलावा मेरे को लगाना है क्या लगाया, ये न्यू ग्रैंड वार्डन। कुछ प्लेयर्स मेरे पास खोलने को रह गए थे, मेरे को अब भी याद आया। तो ये ग्रैंड वार्डन है मेरे पास जो कि 5,00,000 एलिक्सर का है। तो भाई है अपने पास, तो इसको लगाना है तो लगाना है, सोचना है ही नहीं, तो इसको पहले मैं बाहर में ही लगा देता हूँ। लग गया बाहर में, इसको बाद में शिफ्ट करके अंदर कहीं पर लगा दूंगा जगह बना के। ठीक है, देखा जाएगा, इसको बाद में जगह बना के अंदर कहीं डालूंगा। और कोई प्लेयर या डिफेंस वगैरह मेरे पास रह गए तो मैं वो देख लेता हूँ यार। तो अभी बिल्डर हट तो मैं डाल नहीं सकता, डिफेंस में मेरे पास 2 चीज़ें हैं यार, एक है ईगल आर्टिलरी और दूसरा एक्सपो, और मैं दोनों को ही डालने वाला हूँ। मेरे पास उतना पैसा है,
30 लाख, ईगल आल्टरे, डन। 22 हजार बचा है बस, सब पैसा क्या हो गया? अरे बाप रे, पूरे पैसे खत्म हो गए मेरे। खैर कोई नहीं, ठीक है अभी रुको, मैं लगाता है ना जुगाड़। मैं क्या करेंगे है कि कहीं तो पैसा कहीं छुप छुपा के रखा रहना चाहिए यार, ये तो गलत बात है। थोड़ा सा खाली जगह था तो और भी ज्यादा डाल देता हूँ मैं अपने प्लेयर में। पैसा पैसा रिवॉर्ड, यहाँ पे कहीं कुछ है क्या? यहाँ भी कहीं कुछ नहीं है यार, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, यानी कहीं कुछ मेरे को अटैक करना पड़ेगा। ठीक है एक काम करते हैं, कितना चाहिए मेरे को? रुको, अभी मेरे को चाहिए 5 लाख, और मेरे पास है 22 हजार। 5 लाख मेरे पास, दो प्रूफ्स की टीम तैयार है। ठीक है तो अगर मैं दो ऐसे जगह पे अटैक करूं जहां से मुझे 5 लाख रुपए मिल जाए, तो फिर मैं अपना जो बचा हुआ एक्सबो है उसको ओपन कर सकता हूं। चलो अटैक, दो अटैक ऐसा जिससे मेरे को 5 लाख रुपए रिकवर करना है। तो इसमें तो 1.5 लाख रुपए ही, 1,80,000 है, और ये तो हो नहीं पाएगा, तो कोई दूसरा क्लाइंट देखना पड़ेगा। 1,15,000, और इसमें ईगल आर्टिलरी भी है, तो फिर ये भी इम्पॉसिबल है। 80,000, कुछ अच्छा नहीं। कोई ऐसा क्लैन मिल जाए ना जिसमें कम से कम 2 लाख का अटैक है इसमें, और मैं यहाँ पे अटैक कर रहा हूँ गाइस। ठीक है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हॉग राइडर, ठीक, उसके बाद पैक का एक इधर एक इधर, और उसके बाद वर्ल्ड कैरी। अरे अंदर जाना भाई, एक पैक का अंदर जाने का मेरे को था यार, अबे बाहर कहाँ जा रहा है? तोड़ दे। हाँ चल भाई, पांचों तुम लोग पूरे पूरे वल्कैरी को अंदर ही भेज देता हूँ मैं, यहाँ से हम लोग गोल्ड लेकर आएंगे। ठीक है एक पैक का को मैं यहाँ से खोलवा देता हूँ, और इसमें डाल देता हूँ ये स्पेल, अंदर घुसेंगे। चलो भाई 2 लाख में से 1 लाख तो आ गया है अपने पास। अब मैं यहाँ पे अगर वार्डन का, अभी वार्डन में डाला हूँ तो वार्डन का क्या यूज़ है? नहीं है क्या ये भी ज़्यादा अभी पावरफुल? मतलब मेरे को वार्डन को भी पहले अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो विजार्ड टावर ही उड़ा देना। साथ में क्यून को डाल देता हूँ यार, क्यून ख़त्म करेगी इसको। ठीक है तो मेरे पैक का है, कितने बचे हैं, कितने नहीं पड़ गए? ठीक है क्यों, उनकी एबिलिटी खत्म हो गई। यहाँ अंदर मेरे को डालना है यार, यार यहाँ से मेरे को गोल्ड और एलिक्सर दोनों मिल जाएगा। तो ये जो अपना किंग है ये अच्छा खासा चोरी कर रहा है पैसा, की एबिलिटी खत्म हो गई, एलिक्सर आ गया, और गोल्ड 77,000 और 67 57। तो मेरे को 5 लाख चाहिए था जिसमें से 1,72,000 का गोल्ड मेरे पास इकट्ठा हो गया है। ठीक है इसको थोड़ा सा एबिलिटी देते हैं शेल से, स्पेल से। तो ये एक्सबो को उड़ा रहा है, देखते हैं कि और कितना ख़त्म कर सकता है। मे बी 50% कर दे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा यार, पर ये वॉल है नहीं कर पाएगा, 50% नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो लूट चाहिए था वो लगभग, वो लूट मेरे को यहाँ से मिल गया है।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1,55,000 का मेरे को लूट मिला है यहाँ से। 5 लाख, 1,55,000 हो जाएगा ठीक है। और मैं ट्रेन कर देता हूँ ट्रूप्स को, तो मैं अभी लेके जाऊँगा 6 पैक का ठीक। बस स्पेल में लेके जाऊंगा मैं हेज स्पेल, और 2 ठोक ये भी ले लूंगा अर्थक्वेक वाला। 5 लाख का एक्सायलर फ्री मिला मेरे को, क्यों? अरे भाई गोल्ड दे देता। खैर ठीक है, चलो एक अटैक और करते हैं, उसके बाद अगर मेरे पास 5 लाख इकट्ठा हो पाया तो नहीं हो पाएगा, तो भी नहीं हो पाएगा। 1.5 लाख और आ जाएगा यहाँ से, मतलब 3 साढ़े 3 लाख के आसपास होगा, मतलब मेरे को उसको लिए अभी उसको रोकना पड़ जाएगा। तो चलो क्या करता हूँ मैं, खत्म ही करते हैं इसको। एक पैक्का को डालता हूँ यहाँ बाहर, और पैक्का तो पूरे खत्म कर डालेंगे, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं ठीक है। तो 3 पैक्का मैं अंदर डालूँ, 4 पैक्का अंदर डाला हूँ मैं। इस क्लैन वाले से गलती हुई कि मैं यहाँ पे छोटा सा जगह छोड़ दिया था, जहाँ पे मेरे को जगह दिख गया और मैं अपने पूरे पैक्का को अंदर भेज दिया। मेरे को तो अब लग नहीं रहा कि कुछ और मेरे को भेजने की ज़रूरत पड़ेगी, बावजूद उसके मैं एक काम करता हूँ कि ना क्वीन भेज देता हूँ यहाँ पर, और हीलर के साथ 2 हीलर लगा देता हूँ इसके पीछे में, तो इसका भी खून कम नहीं होगा और यहाँ से ये भी रिकवर कर लेगी बाकी काफ़ी सारा। तो ये 2 स्टार हो गए, टाउन हॉल आ गया अपने पास, ये पूरा 3 स्टार हो जाएगा ठीक है। और इसका लूट पूरा का पूरा 1.5 लाख के आसपास का लूट लगभग मेरे पास आ गया, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये जाएगा 100% 3 स्टार। खत्म 3 स्टार, 1,48,000 का लूट मिला मेरे को। तो या ओ हो, इसे कहते हैं किस्मत। ये देखो मैं क्या हुआ कि ना, एक तो 1.5 लाख का वो भी किया, प्लस 5 स्टार कंप्लीट करने के खुशी में मुझे क्लैन से पैसा मिला है, सॉरी उससे। तो यहाँ पे मेरे 5,30,000 पहुंच गए हैं, 23 लाख। ओ भाई चलो लगाया जाए, लो मेरा एक्सपो भी आ गया गाइस। कितने दिन में हो जाएगा ये? 2 दिन में मेरे पास एक्सपो आ जाएगा, चलो फाइनली यार। तो अब मेरे पास डार्क एक्सहेलर भी पूरा फुल पड़ा हुआ है, और एक्सहेलर भी फुल, एलिक्सर भी पूरा फुल पड़ा हुआ है। तो पहले मैं ये दोनों को यूज़ करने के लिए क्या करता हूँ कि अपने वार्डन को मैं लगा देता हूँ अपग्रेड पे। अपग्रेड के लिए इसमें एलिक्सर लगता है, मेरे को लगा डार्क एलिक्सर लगेगा यार, तब तो उससे बेहतर मैं रानी को अपग्रेड कर देता हूँ 22,000 में। तो इसमें भी 22 घंटा लगेगा और रानी अपग्रेड हो जाएगी। अब बचा है मेरे पास एक बिल्डर हट, और इसको मेरे को किसी सही जगह पे लगाना है डिफेंस में। मैं किस में लगाऊं? अगर मैं इसको लगाऊं तो 13 लाख रुपए लगेगा और मेरा बेबी ड्रैगन ओपन होगा, और इसको अगर लगाऊं तो 11 लाख लगेगा और विच ओपन होगा। तो अपन क्या करते हैं कि अपन लगाते हैं बैरक को, डार्क बैरक को नेक्स्ट टाइम लगाएंगे, अभी बैरक को अपन अपग्रेड पे लगा देते हैं। तो ये बैरक भी लग गया अपग्रेड पे, 3 दिन 4 दिन लगेंगे मेरे को,
इसको वो करने में, अपग्रेड होने में, और इसमें फिर बेबी ड्रैगन अनलॉक हो जाएगा। तो ये था यार एक ट्रिक जिससे आप आसानी से गोल्ड को बहुत सारा इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी अपने टाउन हॉल को आप लोग अपग्रेड में लगा के आगे बढ़ सकते हो। होप्स आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।